अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आमना और आप देख रहे हैं किचन विद आमना यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपने किचन में बना रहे हैं बहुत ही इजी तरीके से बाल्टी चिकन, वो भी रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो बाल्टी चिकन बनाने के लिए हमें जो चीजें चाहिए, चिकन लेंगे आधा किलो, दो मीडियम साइज की कटी हुई प्याज लेंगे, दो लार्ज साइज के कटे हुए टमाटर लेंगे, हाफ कप दही लेंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर लेंगे, 2 अदद कटी हुई हरी मिर्च लेंगे, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लेंगे, 2 टेबलस्पून कटा हुआ हरा धनिया लेंगे, 1 टीस्पून नमक लेंगे, 1 टीस्पून हम जीरा पाउडर लेंगे, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, कसूरी मेथी लेंगे हम 1/2 टीस्पून ड्राई वाली, जीरा पाउडर लेंगे हम 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर लेंगे हम 1/2 टीस्पून। तो ये चीज़ें चाहिए हमें बाल्टी चिकन बनाने के लिए। सबसे पहले हम एक बर्तन लेंगे, इसमें हम डाल देंगे 1/2 कप ऑयल और अब इसमें हम डाल देंगे कटे हुए प्याज। हल्का सा इन्हें हमने फ्राई करना है, फ्लेम हमने मीडियम रखी हुई है। प्याजों को हमने ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा इसे हमने फ्राई करना है। तो हल्का सा लाइट सा गोल्डन कलर आएगा तब तक। तो ये देखिए प्याज हमारे हल्के गोल्डन ब्राउन कलर के हो गए हैं। अब इसमें हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम साथ ही इसमें डाल देंगे चिकन। चिकन डाल के हम चिकन को इनके साथ फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पे, तब तक जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। तो ये देखिए चिकन का कलर चेंज हो गया। अब इसमें हम डाल देंगे कटे हुए टमाटर और साथ ही हम इसमें डालेंगे मसाले, नमक डालेंगे, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसमें डाल देंगे पानी 1 ग्लास, मिक्स करेंगे और इसे कवर करके छोड़ देंगे मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट के लिए। दस मिनट हो चुके हैं, तो ये देखिए पानी खुश्क हो चुका है और टमाटर भी गल चुके हैं। तो अब इसमें हम डाल देंगे दही, फ्लेम हाई रखेंगे और दही डाल के हम इसकी भुनाई करेंगे। ये जो दही का पानी है थोड़ा सा खुश्क हो जाए, उतनी देर तक हम इसकी भुनाई करेंगे। ये देखिए अच्छी तरह से हम इसकी भुनाई कर रहे हैं और अब हम इसमें डाल देंगे गर्म मसाला पाउडर और ये कसूरी मेथी हाथ से मसल के, और ये लेमन जूस मैं आपको बताना भूल गई थी, तो 1 टीस्पून आप लेमन जूस इसमें डाल दें और थोड़ा सा हरा धनिया, कटी हुई हरी मिर्चें मिक्स करेंगे। और फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और इसे कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए दम पे। तो 5 मिनट हो चुके हैं, तो ये देखिए बाल्टी चिकन हमारा रेडी है। अब इसे हम डिश आउट कर लेंगे। तो अब इसके ऊपर हम गार्निश करेंगे कटे हुए हरे धनिए की जो हमने बचा के रखा हुआ था, और ये कटी हुई हरी मिर्चें। तो तैयार है हमारा टेस्टी सा बाल्टी चिकन। तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये बाल्टी चिकन की रेसिपी कैसी लगी।
तो अगर आपको ये बाल्टी चिकन की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें, और अगर आप ये रेसिपी ट्राई करके इसकी पिक्चर में से शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे आप कर सकते हैं। तो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम, और इस बटन पे क्लिक करके किचन विद आमना चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस बटन पे क्लिक करके लाइफ विद आमना चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ वाले बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे आने वाली मेरी हर रेसिपी और हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। अल्लाह हाफिज़।